जांजगीर चांपा से खबर है, जहां एनकेएच हॉस्पिटल की एक महिला नर्स ने अपने ही हॉस्पिटल के एक डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला के शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर लेखचंद साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल में दाखिल करा दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर को हॉस्पिटल से भी निलंबित कर दिया गया है। लोगों को 27 तारीख को जो महिला है जिनके साथ उनका कहना है कि उनका छेड़छाड़ हुई है, उनकी कंप्लेन हमें मिली, वो वर्बली हम लोगों से कंप्लेन किया। उन्होंने 27 तारीख को दोपहर को 2-3 बजे के आसपास, उसके बाद चूंकि हमारे मेडिकल डायरेक्टर एक एनेस्थेटिस्ट हैं, वो ऑपरेशन में थी, जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ है उसके बाद हमारे यहाँ एक कमेटी होती है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रिवेंटेशन होता है, उसकी कमेटी होती है, वो हमारे कमेटी है, उसके द्वारा हम लोगों ने शाम को मीटिंग हुई और इनिशियल लेवल पर जाँच भी किया गया। उसमें जाँच एक्चुअली पूरा नहीं हो पाई, हम लोगों ने तब तक के लिए जो लेखचंद जो डॉक्टर हैं उनको हम लोगों ने सस्पेंड किया टिल जब भी जांच का जो भी कंक्लूजन आए तब तक के लिए, और डॉक्टर साहब को उसका सस्पेंड कर दिया गया उसी समय। उसके बाद हम लोगों का आपस में डिस्कशन हुआ, जो स्टाफ था हम लोग से भी डिस्कशन किया गया, और मगर तब तक जो लड़की थी वो थाने में जा चुकी थी, उन्होंने अपना जो भी प्राइमरी कंप्लेन था वहाँ कराया उन्होंने दर्ज। उसके बाद चूंकि मामला अब थाने में है इसलिए हम लोग उसमें आगे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी हम वो कर चुके हैं, हम लोगों ने डॉक्टर को टेम्परेरी जब तक जांच होने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और महिला जो है वो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी करेंगी आगे। जैसा जी 27 को ही सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, 27 को शाम को ही हम लोग की मीटिंग हुई, उसी दिन हम लोगों ने लेटर भी निकाल दिया था उनका सस्पेंशन का। जी क्या नाम बताएंगे?